किया है बेटे, आपने उसको स्टार्ट करने में या उसमें टाइम लगाया है उसके बारे में हमने शो करना होता है। इज इट क्लियर? लेट अस डिस्कस वंस अगेन द सेम थिंग कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो। मैक्रो के अंडर आते हैं हमारे प्री कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑफ कॉम्पिटिशन। प्री कॉम्पिटिशन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, दैट इज द फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। इन द फर्स्ट फेज वी जनरली लेट स्ट्रेस ऑन आवर फिजिकल कॉम्पोनेंट्स, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। उसके लिए अगर हमारा कैलेंडर जो है या हमारा टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर का है, तो उसमें से हम 6 to 7 months जो है वी गिव दैट पार्ट टू द फर्स्ट फेज ओनली, वेयर वी डेवलप दीज क्वालिटीज और दीज कॉम्पोनेंट्स इन आर बॉडी, सो दैट आर नेक्स्ट फेज विल बी ईजी। सेकेंड फेज जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ट्रेनिंग का। इसमें हमारे जो है नॉर्मली हम सीखते हैं हमारे स्पेसिफिक स्किल्स रिलेटेड टू द गेम्स, प्रैक्टिसिंग रिगार्डिंग दोज ओनली थिंग्स विच आर मैक्सिमम रिक्वायर्ड फॉर द आवर पर्टिकुलर गेम। ठीक है, इसमें हमारी प्रैक्टिस एडवांस स्किल्स पे होती है, जो जो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं उन पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। थर्ड फेज जो आता है वो है नॉर्मली स्ट्रेस ऑन द स्पीड ट्रेनिंग। हमारी जो टेक्निक्स हैं रिलेटेड टू द स्पेसिफिक गेम उसके बारे में लर्निंग करनी एंड परफेक्शन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ वी कैन हैंडल द गेम, हाउ वी हैव टू ऑन द स्पॉट, क्योंकि लर्निंग और प्रैक्टिस और ऑन द स्पॉट जो है काम, उसमें कई बार डिफरेंस होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो नेक्स्ट टीम है वो किस, हमारा ओपोनेंट जो है वो किस टेक से खेल रहे हैं, इमिडिएटली वी हैव टू चेंज ओवर दैट। हमें अपनी टेक्निक्स को उसके अकॉर्डिंग फॉलो या उससे बेटर करके हमें दिखाना होता है। रीजन बीइंग कि क्योंकि हमने पूरे ईयर की आउटपुट जो है वो देनी होती है और उसके लिए हमें अपनी मेहनत का शो पूरा दिखाना होता है। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन वट एवर वी हैव लर्न और वट एवर वी हैव डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, दैट इज द ओनली पार्ट वेयर वी हैव टू शो। एंड आवर मेन एम इज और आवर मेन गोल इज टू अचीव द गोल और टू विन द गेम। ये हमारा मेन होता है। इसमें हमने जो भी प्रिपेयर किया होता है अपने को फिजिकली या टेक्निकली ड्यूरिंग द पीरियड, या हमने जो जो चीज़ें लर्न की होती हैं, या हमें ऑन द स्पॉट्स क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उन्हें हम अपनी आउटपुट के द्वारा दिखा सकते हैं या हमारी वही आउटपुट होती है। अब नेक्स्ट थिंग है कि ऑफ कॉम्पिटिशन में हम क्या करते हैं। ठीक है ना बेटा, ऑफ कॉम्पिटिशन का मतलब है गेम या वो ट्रेनिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद का समय, उस टाइम हमारा क्या रोल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वार्मिंग अप के इमीडिएट बाद वी कांट लीव द एक्सरसाइज या एक्टिविटी, उसे हम स्लो डाउन कर देते हैं, लेकिन हम उसे एकदम से एंड अप नहीं करते हैं। इन द सेम वे ऑफ सीजन जो होता है या आफ्टर द कॉम्पिटिशन जो है उसका भी यही है कि आफ्टर कॉम्पिटिशन क्या होता है, वो एक रिकवरी पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड है, बट नॉट द लीविंग पीरियड। गेम या एक्टिविटी को छोड़ने का पीरियड नहीं होता है वो हमारा पीरियड होता है नॉर्मली किस चीज का, वो हमारा नॉर्मली पीरियड होता है कि हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारा जो है रिकवरी पीरियड होता है, अपनी जितनी स्ट्रेंथ हमने ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन लगाई है, जो जो किया है उसका एक पीरियड होता है, लेकिन ये एक्टिविटी को छोड़ने का पीरियड नहीं होता है। कंप्लीट रेस्ट पे हम इसमें नहीं आते हैं। वी शुड बी एक्टिव, हमें इसमें
एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन हमारी जो एक्टिविटी जो पहले विग्रस थी उसमें स्लो डाउन हो जाते हैं हम, वो पीरियड जो है उसमें हमारा जो काम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इन कॉन्टिन्यूशन रहता है। वर्किंग जो है, एक्टिविटी जो है वो कॉन्टिन्यूशन में है, लीव नहीं होती है, कॉम्पिटिशन में रहती है, बट नॉट सो विग्रस, उतनी विग्रस नहीं होती जितनी हमें ड्यूरिंग द गेम पीरियड या जब हम ड्यूरिंग द फेजेस करते हैं उस तरीके की हमारी नहीं होती है। हमें अपनी फिजिकल फिटनेस को भी बनाए रखना होता है, ठीक है ना, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं दे शुड बी, या हम कह सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी को ऑयलिंग और ऑन द ट्रैक जो है वो हर टाइम रखनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ऑन द ट्रैक होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, और रिलेटेड टू द गेम्स एक्टिविटीज जो हैं वो गेम्स के साथ जो रिलेटेड हैं वो चलती रहनी चाहिए, सो दैट वी कैन, इस पीरियड को हम कई बार ना ऑफ सीजन को ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड भी इसे कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसके अंदर यही है कि हमारी मेंटेनेंस जो है फिटनेस की चलती रहे, कॉन्टिन्यूशन में हम रहें, लेकिन स्लो पीरियड के हिसाब से रहें, ताकि हमें कहीं पर थकान भी ना हो, और इंटेंसिटी हमने वर्किंग को करना है बट इन ए फॉर्म ऑफ लो इंटेंसिटी, मैक्सिमम वर्क तो करते रहना है लेकिन हमारी इंटेंसिटी जो है वो स्लो होनी चाहिए, ताकि हम वर्क को आसानी से कर सकें। इज दैट क्लियर टू यू ऑल बेटा? तो फॉर टुडे ओनली वी हैव गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट ही हमने आज लर्न किया है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, समटाइम्स इट मे बी इन कि व्हाट इज द मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो अगर वो भी क्वेश्चन हो तो वन एंड द सेम थिंग कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है या मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, तो दोनों का एक ही ऑलमोस्ट एक ही आंसर है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि हमने एक ट्रेनी को, ठीक है ना, ट्रेनर ने एक ट्रेनी को उसके कॉम्पिटिशन तक कैसे लेके जाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको हर चीज को सिखाना है, और कैसे उसे अपीयर करवाना है कॉम्पिटिशन में, और उसके बाद किस तरीके से वो एक बेटर परफॉर्मेंस दे सके या आउटपुट जो है वो बेटर आ सके। इज इट क्लियर टू यू बेटा? इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Any question from your side, beta? Any question from your side, beta?